नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों के अधिकारों पे हमला नहीं चलाएंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर राज्य मंजूरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी मोदी कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कृषि कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। काला कृषि कानून को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। काला कृषि कानून को वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। शिक्षा कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। शिक्षा को भेजना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लेबर कोड को निरस्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। किसान मजदूर नौजवान महिला छात्रों की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता की धनबादी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भर्ती महंगाई पर रोक लगा, रोक लगाओ, रोक लगाओ। अरे भर्ती महंगाई पर रोक लगा, रोक लगाओ, रोक लगाओ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। किसानों के अधिकारों पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसानों पर राज्य मंजूरी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के ऊपर अत्याचार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी मोदी कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अभी आया है। नई सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नई सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आगामी ये है कि जो नेशनल स्तर पे ये आंदोलन जो पिछले 8 महीने से किसानों ने शुरू किया था, अब ये इसमें जनता के दूसरे हिस्से भी शामिल हो रहे हैं। इसको और व्यापक जो है वो किया जाएगा और तेज किया जाएगा। के साथ बताइए, ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये किसानों की मांगों को लेकर, इसके बारे में आपका क्या? मेरा नाम डॉक्टर ओंकार शाह, मैं हिमाचल किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज जो ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, ये पूरे देश में आज मजदूर किसान, खेतीहर मजदूर और नौजवान छात्र महिलाएं मिलकर जो है वो इस सरकार के खिलाफ जो है पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन विरोध प्रदर्शनों में मुख्य मांगे जो हैं वो है, पहली मांग तो ये है कि जो 3 कृषि कानून है, जो काले कानून है, जो किसानों के विरोध में जाते हैं, हमारे देश की आम जनता के विरोध में, इन कानूनों को जो है वो रद्द किया जाए, इनको वापस लिया जाए। और साथ में हमारे देश के अंदर किसानों के सभी उत्पादों को जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश के तहत जो है वो दिए जाए और इसको कानूनी दर्जा अपनाया जाए। इसके अलावा इस सरकार ने
पिछले साल 44 जो कानून थे श्रम कानून उनको बदला गया और उनकी जगह 4 लेबर कोड जो है वो लाए हैं। इससे जो है वो मजदूरों की पूंजीपतियों के साथ अपने मालिकों के साथ जो बार्गेनिंग का बिल्कुल ख़त्म हुई है और ये 4 कोड जो है वो पूंजीपतियों के पक्ष में है और मजदूरों के विरोध में है। इससे हायर और फायर की नीति जो है वो लागू की जाएगी। इसीलिए ये मांग जो है भी है कि इन 4 श्रम कोडों को जो है वो निरस्त किया जाए ताकि जो हमारे देश के मजदूरों के कई सालों के कुर्बानियों से जो कानून बने थे उनको पुनः बहाल किया जाए। इसके साथ साथ जो अगली मांग है वो ये है कि देश में कोरोना काल से अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है और इस सरकार को जनता की सहायता करनी चाहिए थी, परंतु ये सरकार जनता की सहायता किए बगैर उल्टे पेट्रोलियम पदार्थों पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो है इसने पिछले 1 साल में 1,00,000 करोड़ जनता की जेब से जो है वो इकट्ठा किया है, जिससे जो है हमारे देश में आम महंगाई है वो बढ़ी है। आज जो है कीमतें आसमान छू रही है, जिससे लोगों को 2 वक्त की रोटी जो है वो हासिल करना मुश्किल हो गई है। इसलिए ये भी मांग है इन सभी संगठनों की कि महंगाई पर रोक लगाई जाए और ये पेट्रोलियम पदार्थों में जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है इसको कम की जाए और गैस का सिलेंडर जो 931 रुपए का इस शहर में हो गया है शिमला शहर में, उस पर जो अनुदान ख़त्म किया है जो अब 32 रुपए रह गया है, कहीं 28 रुपए रह गया है, उसको पुनः बहाल की जाए। और साथ में